प्राकृतिक चिकित्सा आपकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से परेशान हैं या कुछ इस तरह की समस्याएं हैं जो आपको परेशान करती हैं, आपको सांस से संबंधित परेशानियां हैं, खांसी से संबंधित परेशानियां हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला शंका जो जाता है वह अस्थमा, जिसे आप दमा भी कहते हैं। दमा एक ऐसी बीमारी है जो सांस से शुरुआत होती है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से यह संबंधित होता है। अस्थमा रोग हमेशा आपके खराब लाइफ स्टाइल से शुरू होता है। अस्थमा को परमानेंट ठीक किया जा सकता है, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि अगर आपने अपना बदलाव नहीं किया, अपने दिनचर्या में चेंजेस नहीं किए, तो यह अस्थमा रोग हमेशा बना रहता है और आपके साथ आपके जीवन का हिस्सा एक इनहेलर बन जाता है। एक ऐसा इनहेलर, जब भी आपको इसकी परेशानी होती है तो आप उसे बार बार लेते हैं। इनहेलर लेना थोड़ी देर के लिए आपको राहत जरूर देता है, लेकिन आपकी बीमारी को वह ठीक नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात कर रहा हूं आपसे उन तमाम बीमारियों के ऊपर जिसे आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं, चाहे वह अस्थमा हो, चाहे वह शुगर की समस्या हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, डाइजेशन की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आप प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इसे हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। आपको अंग्रेजी दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ऑनलाइन प्राकृतिक चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। आप सबको मालूम है कि अस्थमा जब दस्तक देता है तो हमें काफी परेशान करता है, हमें काफी दर्द देता है और फिर हमारे जीवन में एक ऐसा हिस्सा बनता है जो परेशान करता रहता है। यदि आप इस दर्द से निजात पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में चेंजेज लाएं। अगर आपको खांसी की शिकायत आती है या बार बार सांस लेने में दिक्कत होती है, सोते समय नाक से आवाज आती है या फिर गला आपका रुक जाता है, बार बार मुंह सूखता है आपका, तो यह संकेत करता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कई तरह के परिवर्तन होने शुरू हो चुके हैं। तीन तमाम परेशानियों से आपको बचने के लिए, इससे निजात पाने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो गर्म पानी का सेवन। गर्म पानी, गुनगुना पानी, चाहे मौसम जाड़े का हो, बरसात का हो, सर्दी का हो, कोई भी मौसम हो, आप हल्के गुनगुने पानी पीने की आपको आदत डालनी चाहिए। हल्का गुनगुना पानी आपके मसल्स को रिलैक्स भी करता है और सांस की जो नलियां हैं और फेफड़े में को भी राहत पहुंचाता है। जब आपकी बॉडी में कफ बनेगा, जब आपके गले में कफ बनेगा, तो सांस क्या होगा, अवरुद्ध होगा। नलियां क्या होंगी, नलियां जब फैल जाएंगी और सांस आने जाने में दिक्कत होगा तो आपको खांसी होगी, और खांसी जब शुरू होती है तो आपको घुटन महसूस होती है, सीने में दर्द महसूस होता है, कई बार आंखों से आंसू आना, उल्टी होना, इस तरह के लक्षण भी देखे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसको हमेशा खत्म करना चाहते हैं तो तीन परिवर्तन आप करिए। पहला परिवर्तन आपको करना है, गर्म पानी पीना शुरू करिए, गुनगुना पानी, चाहे मौसम कोई भी हो। दूसरा कार्य ये करना है कि आपको ठंडी चीजों से बचना है, वे तमाम ठंडी चीजें जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं उनसे आपको बचना है। तीसरा कार्य करना है, यदि आपको पाइल्स इत्यादि या अन्य बीमारियों की शिकायत न हो तो आप अदरक का सेवन आपको करना है। कैसे करना है, आपको एक अदरक का टुकड़ा लेना है तो उसमें थोड़ा सा नमक, नमक कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आपको मुंह में रखना है और लार के साथ उसे चबाकर खाना नहीं है, लंबे समय तक, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना आप रख सकते हो वो आप रखिए। ये इनहेलर से भी अच्छा कार्य करेगा और आपको खांसी से रोकेगा, बलगम नहीं बनने देगा और सांस प्रॉपर कंडीशन में आप ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आपको चाय पीने की आदत है, सुबह आप चाय पीते हैं, उठते ही आपको चाय की तलब लगती है, तो उस आदत को छोड़ करके आप अजवाइन की आप चाय पीजिए या अजवाइन का पानी पीजिए, ये आपको बहुत ही राहत पहुंचाएगा और देखते ही देखते आप पाएंगे कि इस तीन तरीकों से आप अपनी अस्थमा को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। यदि आप इसके अलावा किसी अन्य बीमारी से भी आप परामर्श लेना चाहते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उसे ठीक करना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से अपना परामर्श समय बुक कर सकते हैं और
उस समय आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, उसे हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।